जय जयकार हो रही है। जय जयकार नहीं हो रही, आपकी राम नाम सत्य बोला जा रहा है। खानोश, प्रिया सुधा, काम काज छोड़कर ये शोर शराबा क्यों मचा रखा है? इतने आदमी इकट्ठे करके समझती हो कि मुझे धमका लोगी? मैं डरने वाला नहीं। अरे जिसका दिया खाते हो उसी को आंखें दिखाते हो। चौधरी, हमारा दिया तुम खाते हो, हमसे अंगूठे लगवा कर हमारे नाम से सरकार से उधार लेकर तुम साहूकार बन बैठे हो। अरे कलयुग है कलयुग, ऐसा झूठ बोलते हुए तुम लोगों की जबान नहीं जलती लेकिन मेरे कान जल रहे हैं। इन मूर्खों के कान किसी ने भरे हैं? बताओ कौन है तुम भोले भाले लोगों को भड़काने वाला? मैं अभी उसको देखता हूँ। अच्छी तरह देख ले, मैंने इनकी आंखें खोली हैं कि ये तेरे कारखाने के नौकर चाकर नहीं भागीदार हैं। अच्छा तो तुम हो इन बेचारियों के पेट पर लात मारने वाले इस कलयुग में? हाँ लड़कियों, आज तक तुम सुख और शांति से अपना और अपने परिवार का पालन करती आई हो और आज इसके कहने सुनने में आकर तुम लोग अपने मालिक पर हमला करने आई हो। अपना हक मांगने को हमला नहीं कहते। जो धोखा तुम इन लोगों को देते आए हो उसका पोल खोलने आया हूँ। तुम इन अनपढ़ लोगों से कागजात पर अंगूठा लगवा कर उनके नाम से कोऑपरेटिव बैंक से उधार लेकर ये फैक्ट्री चलाते आए हो, क्या ये झूठ है? प्रकाश, इन लोगों के मुंह से निवाला मत छीनो। अगर मैंने कारखाना बंद कर दिया तो दो वक्त की रोटी इनको तुम दोगे? इनकी भूख का इलाज है तुम्हारे पास? तुम ऐसा नहीं कर सकते चौधरी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं इनके लिए इनके नाम से दूसरा कारखाना शुरू करवा दूंगा। प्रकाश, धूल धप्पे से कारखाने नहीं खुलते, कुंडली खराब और मक्कर इसे कारखाने भी नहीं चलते। चौधरी, या कारखाने के सब हिस्से इनके नाम कर दे या इतने वर्षों से मक्कारी से जो इनका माल खाता आया है उसका हिसाब किताब दे दे, वरना सरकार के सामने तेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर तुझे अंदर करवा दूंगा। बोल, इंसाफ का झंडा या सरकारी डंडा? ठीक है, मैं कारखाने के सारे हिस्से इनके नाम कर देता हूँ। धत कुंडली खराब। जय त्वदग्र विक्रम भ्रमद्भुजंग मस्फुर ध्विनिर्गमा क्रमश्वरा कराल भाल हव्यवा।